लखनगंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक घरेलू महिला को दो युवकों ने अपने झांसे में लेकर उसे 50 रुपए के नकली नोटों का बंडल थमाकर करीब एक घंटे अपने साथ घुमाया और बंडल के बदले उसके पास से आभूषण लेकर चले गए। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लखनगंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत शास्त्री नगर NIT गार्डन के समीप निवासी अंजनाबाई नंदकिशोर बावनी घरेलू कार्य करती है। घटना के दिन अंजनाबाई अंबेडकर चौक निवासी गीताबाई के घर की बर्तन धोने का कार्य निपटाकर दूसरी जगह काम पर जाने के लिए निकली। इस दौरान वर्धमान नगर चौक पर 25 से 30 आयु वर्ग के दो अज्ञात युवकों में से एक ने अंजना को कहा कि आई इधर आओ और मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे बेटे के समान हूँ, मुझे भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए होगा तो मुझे दो। इस बीच दूसरा युवक भी पहुंचा और दोनों ने अंजना को 50 रुपए के नोटों का बंडल दिखाया। वह नोटों का बंडल अंजना के पास की छतरी में रखा और वह छतरी आरोपियों ने स्वयं के पास रखी। कुछ देर बाद पैसे रखी छतरी को उन्होंने अंजना को लौटाते हुए कहा कि पैसे की छतरी तुम्हें दे रहे, तुम हमारे साथ चलो। वह उसे अपने साथ इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के स्माइल फैक्ट्री एरिया में करीब एक घंटे तक अपने साथ घुमाते रहे। उसे हजरत शाह दरगाह पर ले गए। वहां पर अंजना ने स्वयं से ही अपने गले से मंगलसूत्र समेत करीब 9,000 रुपए कीमत के आभूषण निकाले और आरोपियों को दे दिए। इसके बाद दोनों आरोपी वहां से चलते बने। कुछ देर बाद अंजना ने छतरे में रखे पैसे देखे तो वहां पर बंडल की बजाय 50 की एक नोट मिली और बाकी कागज पाए गए। इसके बाद अंजना ने इस घटना की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भांडवी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। दिनांक 21/9/2021 रोजी महिला नामे अंजनाबाई नंदकिशोर बावने वय 47 वर्ष ही आपले धुणे भांडीचे काम करून आंबेडकर चौकातून घरी झालेले असता दोन अज्ञात इसमांनी तिला थांबवलं आणि तिच्याजवळ असलेल्या छत्रीत एक नोटाचं बंडल ठेवलं आणि तिला म्हणे की मला भूक लागलेली आहे, मला कुठंतरी जेवू घाल, मी बाहेर गावचा आहे असं म्हणून ते बोलत तिला स्मॉल फॅक्टरी एरियातून हजरत अलमत शाह दर्गा याच्याजवळ आणले आणि तिला म्हटलं की छत्री मी तुला देतो, तुझ्याजवळचे दागिने दे, याच्यात भरपूर पैसे आहेत, हे आम्ही गेल्यानंतर पाहून घेतो असं म्हणून ती त्या दोन्ही अज्ञात इसमांच्या बोलण्यात आली आणि तिला छत्री दिली पैसे असलेली आणि तिच्या अंगावरचे 9,000 रुपयाचे मंगळसूत्र व इतर सामान काढून घेतले आणि ते निघून गेले। अशा प्रकारे त्या महिलेची फसवणूक त्यांनी केलेली आहे 9,000 रुपयाच्या दागिन्यांची। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।